क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू थ्री वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो सबसे पहले आप देखो कि ये जो दिया गया है ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है तो फ्रैक्शन में मान लीजिए जैसे कोई नंबर होता था टू प्लस वन अपान टू तो इसको सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता था यानी कि टू टू जा फोर प्लस बाई टू, ऐसे करके इसको सॉल्व करना पड़ता था

या तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके इसको रूट फाइंड करूंगा सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू एमारे स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट टर्म सो फ्रॉम अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो यहां पर एक्स साथ कुछ भी नहीं है तो जहां पर एक्स भी नहीं होता तो वहां पर वन होता है मल्टीप्लाई में और इसलिए A एंड सी इज इक्वल टू वन इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस है और बी की वैल्यू भी माइनस है तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट लगा करके वैल्यू को रखिए ओपन माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन ओके क्योंकि ए की भी वैल्यू वन है और सी की भी वैल्यू वन है ओवर टू इंटू वन इनको फर्दर सॉल्व करेंगे देखो यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अगर आप किसी भी नंबर का माइनस का स्क्वायर करते हैं तो आपको प्लस मिलेगा मींस माइनस थ्री स्क्वायर नाइन माइनस फोर इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू फोर ओवर टू इंटू वन टू तो ये हो जाएगा हमारा x इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे नाइन माइनस फोर करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव x इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव ओवर टू तो एक बार ये आंसर प्लस के साथ और एक बार ये आंसर माइनस के साथ सो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस स्क्वायर रूट फाइव ओवर टू एंड थ्री Square root 5 over 2. These are the roots of x 3 plus square root 5 upon 2 and 3 minus square root 5 upon 2. So, this is the answer of these questions. If you want to write down it or take a screenshot.